आज़ादी के अमृत महाउत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त 2022 हर घर तिरंगा। एक ये भी सुन लो, सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग पंजाब। तो ये सारे जड़े पोस्टर ने ये लगे सीगे हरियाणा रोडवेज दियां बसों पर भी। बड़ी चंगी गल है, डबल इंजन की सरकार है तो कई ये बेनीफिट ने। ये इन्होंने गिना भी दिते ने, दस भी दिते ने, कुछ लोग बेनीफिट होर भी गिनाते हैं। तो आप जड़ा जो भी है हर घर तिरंगा, ये तिरंगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जी अचीवमेंट है किहो जी है, ये उत्ते करते हैं गल। डॉक्टर कनु शर्मा जी, सत श्री अकाल सारे नू, ते बहुत बहुत स्वागत है साढ़े चैनल ते। ते जिमें कि सर हमेशा गल करते हैं बहुत इंपोर्टेंट इशूज़ से, अज भी कुछ यहोजे ही इंपोर्टेंट इशूज़ से गल करांगे। ते सर जेडी राहुल गांधी जी दी कन्विक्शन हुई है, नेता नेता ही होंदा भावें ओपोजिशन का होवे ते भावें रूलिंग पार्टी का होवे, और उस कन्विक्शन दे उत्ते जिहड़ा काज ऑफ एक्शन सी ओ साउथ दे विच किया जांदा। ते जिहड़ी अग्रीव्ड परसन है उहदे बारे भी गल करांगे, ते थर्ड पार्टी बारे भी गल करांगे, स्टेंजर बारे भी गल करांगे, कोर्ट दी कॉग्निजेंस बारे भी गल करांगे, प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन बारे भी गल करांगे, ते राइट टू अपील एंड दी फेट ऑफ अपील इफ इट इज इनफ्रक्चुअस, ये हो गई है या लोकसभा का सैक्रीटेरीएट जिन्हें डिसक्वालीफिकेशन का ऑर्डर इशू कर दिता है वह भी नालों नाल चैलेंज करना पेगा। ये करते हैं गल्ल, तो इस समझते हैं डॉक्टर कनु शर्मा जी तो। सर जिमें कि तुसी गल की कि डेफामेशन लॉज जड़े है ये साढ़े आई पी सी दे विच बनाए गए है प्रोटेक्ट करने लिए, वो स्पीच एंड एक्सप्रैशन वो वाले गलत वर्ड्स नू, वो वाले मानहानि दे केसिस नू जिहदे विच जिहड़ा है सच दी आड़ दे विच कई बार, गुड फेथ दी आड़ दे विच कई बार किसी दी इनसल्ट की जाती है, ये डेफामेशन लॉज ये मानहानि उन्हां लोकां लई बनाई गई है। लेकिन किस तरह साढ़े देखो देश दे विच इस इन्हां लॉज़ का मिसयूज हो रहा है, किस तरह जिहड़ा है पोलीटिकल पार्टीज़ ओपोजिशन नू टारगेट करन लई ये लॉज़ दा नू यूज़ कर रहे। हुण डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ डेफामेशन लॉज की गल चली है, उहदा आधार यह है कि ओपोजिशन दे विच पार्टीज़ का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है जी। ए इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, ये कोई आम गल नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है कि सिर्फ ओपोजिशन दे ही पार्टीज़ के खिलाफ यहोजे जड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं डेफामेशन लॉज वाले, या उही जड़े लोग है ओपोजिशन वाले उन्हां दे खिलाफ ही कन्विक्शन रेट इन्ना ज़्यादा है साडी कंट्री। क्यों रूलिंग पार्टी के किसी लीडर के उत्ते कभी यहोजे एलीगेशनस नहीं लगे, ना ही कन्विक्शन, तो चलो बहुत दूर की गल है। दूसरी गल ये कि लोकसभा ने इन्नी जल्दी जिहड़ा है इहदे ते एक्शन लिया, सब तो वड्डी गल अज असी खुद एक देखो वकील हाँ, असी रोज़ देखते हैं कोर्ट के विच किवें जिहड़ा है कोर्ट की रूलिंग्स ऑर्डरस दीआं धज्जियां उड़ाईआं जांदीआं, किवें कंटैम्प्ट जिहड़ा है डेली कंटैम्प्ट पटीशनस ही एक अलग कोर्ट जिहड़ी है लगाई गई है कि इन्ने सारे कंटैम्प्ट जिहड़े पटीशनस है पेंडिंग पईआं साडी कोर्ट्स दे विच। क्यों? क्योंकि जिहड़ी अदालत दे जिहड़े फैसले हुंदे उहनां नूं लोग नहीं मानदे, या इंस्टीट्यूशनस ऑर्गनाइजेशनस जिहड़ा उहदे ते एग्जीक्यूशन कदी नहीं हुंदी। लेकिन बड़ी देखो दुख की गल है कि राहुल गांधी दे केस दे विच इमीजिएट जिहड़ा है प्रॉम्प्ट एक्शन जिहड़ा है अगेंस्ट राहुल गांधी लिता गया, जिहड़ा इटसेल्फ ये दर्शाता है मैलाफाइड इंटेंशन दर्शाता है कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी नू टारगेट करन लई ये सब किया गया। और अज गल राहुल गांधी दी है, कल नू किसी होर लीडर दे खिलाफ भी इस तरह किया जाएगा। तो यहो जी सिचुएशन दे विच मैनू लगता सानू सारे देशवासियों कट्ठे होकर डेफामेशन लॉज़ नू दे तहत या तो कोई चेंजेस लैके आने चाहिए, कोई यहोजे रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए लॉ दे विच, या फिर ये जिहड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट की गई है बाय द रूलिंग पार्टी बाय द रेनिंग गवर्नमेंट उहदे खिलाफ जिहड़ा सानू जरूर ये मुद्दा चकना चाहिए। तुसी देखो ये बयान दिता गया साउथ विच, और इहदी जिहड़ी कंप्लेंट है फाइल की किसी भी स्ट्रेंजर ने, एग्रीव्ड परसन ने नहीं की, कानून ये कहिंदा एग्रीव्ड परसन करेगा, जे एग्रीव्ड परसन नहीं आउंदा ते कोर्ट ना एंटरटेन करती है ना कॉग्निजेंस लेंदी है, ये बारे की कहोगे? सर देखो ये तो प्रीलिमिनरी इशू है, वी ऑल नो असी वकील हाँ कि प्रीलिमिनरी जिहड़ी
ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਂਡ ਹਾਓ ਦੀ ਕੋਰਟ ਟੂ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੀ ਫੈਕਟ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਫਾਈਲਡ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੋਲੀਗ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕਮ ਅਪ ਐਂਡ ਸੇ ਦੈਟ ਇਹਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਸਨ ਹਰਸੈਲਫ ਔਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕੈਨ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡਾਈ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੈਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਰਟ ਟੂ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪੀਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਲੈਗਸੀ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰੇਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੋ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਬਾਇਸਡ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਜੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੀ ਮੈਜੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਹੋਲਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਮਸਟ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਪੋਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਫਰੋਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਓਡੇਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਸਟੈਪ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਯੂਨੋ ਇਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆਏ ਔਰ ਦੇਰ ਆਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਐਰਰ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਐਰਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਫ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਲੀ ਡਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਲਾਅ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਟ ਸੈਲਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਟੈਂਟ ਐਰਰਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਐਰਰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਚੈਲੇਂਜ ਡਿਸੀਜਨ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਅਗੇਂਸਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੱਚ ਐ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟਿਡ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ।
लेकिन क्यों ये सिर्फ इन्ना वड्डा षड्यंत्र टूवर्ड्स राहुल गांधी? मतलब पर्सनली आई एम बिग स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ राहुल गांधी, डजंट मैटर विच पार्टी आई बिलोंग टू. द पॉइंट इज दैट एज अ लीडर इफ वी सी देन राहुल गांधी इज अ वेरी गुड लीडर एंड वी शुड स्टॉप यू नो क्रिटिसाइजिंग हिम और कॉलिंग हिम बाय डिफरेंट नेम्स जस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ आर सिटिंग पी एम दैट उन्हों डीफेम करना रादर उदी डेफोमेशन डेली होंगी है बाय कॉलिंग हिम बाय डिफरेंट नेम्स जिहड़ा कि उहदा यू नो पेट नेम पाके उन्हों डीफेम किया गया थ्रू आउट द कंट्री एंड इन द लास्ट टू डेकेड्स. एक चीज़ होर है, जदों ये राइट टू अपील है तो फिर एपलेंट कोर्ट ये कह सकती है जी लोक सभा ने डिसक्वालीफिकेशन ऑर्डर पास कर दिता है, योर अपील हैज बिकम इनफ्रक्चुअस. सर देखो जदों राइट टू अपील की गल आती कोर्ट के तो डेफिनेटली दे कैन अप्रोच, बट अगर रूल्स के कुछ यहोजा लिखा कि पहला अपील करोंगे फाइल तो उस तो बाद होएगा तो मैं लगता है कि यह इनफ्रक्चुअस मनिया जाएगा. लेकिन अगर देर इज़ अ टाइम पीरियड, लेकिन टाइम पीरियड फॉलो करने की जगह तो इमीजिएट एक्शन लिता गया है विदाउट गिविंग हिम चांस टू गो फॉर राइट टू अपील, दैन डेफिनेटली द पर्सन कैन गो फॉर राइट टू अपील एंड दिस ऑर्डर इटसेल्फ विल बिकम नल एंड वॉइड. इसका मतलब यह है कि एपीलेंट कोर्ट का भी मान सम्मान नहीं रखा गया और इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया कि एपीलेंट कोर्ट जो बनिया है तो उन्होंने फैसले की इंतजार कर ली जाए और जोड़ा हेस्टी स्टैप है लोक सभा के सैक्रटेरिएट का वो कितों तक जोड़ा लोकतंत्र परिभाषा के फिट हों. सर मैं अगे फिर कहना चाहूँगी कि असी वकील होने के नाते शायद इस तरह गल कर रहे हैं लेकिन ये पॉलिटिक्स का मैटर है सर. It is a political matter rather than defamation or any legal issue involved. Politics to hon karke sir, it is like tit for tat. So a hasty decision was not to disrespect some appellate authority or what. It was just to execute an action against Rahul Gandhi. Kai political faisle aaye jivein Rajan Narayan versus Mrs. Indira Gandhi aur Chaudhary Charan Singh Alavi, Madhu Limme Alavi, is tarah de kai aur faisle aaye और उन्होंने कोर्ट की प्रमाणिकता ने जोड़ा अपहोल्ड किया कि साडा ला सुप्रीम है कि अजिहा असी एक्सपैक्ट कर सकते हैं इस हालात के. सर देखो जी जो केसिस की गल की डायरेक्टली इलेक्शंस ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज चैलेंज्ड, सो डेफिनेटली लॉ ऑफ लैंड फॉलो किया गया. उन्होंने टाइमों के जुडिशरी वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड दे नेवर वर्कड एज पर द विम्स एंड विशेज ऑफ द रूलिंग पार्टी. सो उस उन्होंने टाइमों से हूँ के टाइम जमीन आसमान का फर्क है. देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस किमें सोसाइटी के नाल नाल जुडिशरी का जोड़ा प्रभाव है टूवर्ड्स पॉलिटिक्स जोड़ा वधदा ही जा रहा है एंड ये गैप जोड़ा है सर बिटवीन जुडिशरी एंड पॉलिटिक्स ये ज़्यादा वधन की जगह तो देखो नैरो हुंदा जा रहा है जिदे करके इंटरमिंगल हो गए है. ये जुडिशरी इज़ एक्सपैक्टिंग पोस्ट आफ्टर रिटायरमेंट, दे आर एक्सपैक्टिंग पार्क्स while sitting on the seats. So इस तरह के benefits करके जोड़ा है साड़ी जुडिशरी थोड़ी जी अनबायस्ड चल रही है. थोड़ा जहा देर इज़ अ नीड टू यू नो इंश्योर रीफॉर्म इन द जुडिशरी एंड जुडिशरी इज़ लैकिंग बिकॉज ऑफ एन अटैम्प्ट मेड बाई द पॉलिटिक्स टू इंटरफेयर इन एवरी डिसीजन ऑफ जजिस. सो इस तरह यदि इंटरफेरेंस करके जोड़ा है ये सारा कुछ हो रहा है. इस तरह के स्टैप्स करके जोड़ा है सारी पोलीटल पार्टीज़ या ओपोजिशन पार्टीज़ सामने आके सुप्रीम कोर्ट के मैटर लगाया उन्होंने ऑन 5 अप्रैल लिस्टिड कि किस तरह जोड़े है सारे लॉज सारी इनवैसटिगेटिंग एजेंसीज CBI एटसेट्रा सब दे आर वर्किंग टूवर्ड्स और दे आर यू नो दे हैव बिन हैडेड टूवर्ड्स द ओपोजिशन पार्टीज़ ओनली. सो इस तरह की पटिशन पा के भी ओपोजिशन पार्टीज़ हैव एक्चुअली डन अ गुड जॉब तो इदा के स्टैप्स जोड़े है वेलकम होने चाहिए सोसाइटी. फैसले जिहोजे आए मानयोग सुप्रीम कोर्ट के और 2018 पांच जजा ने या चार जजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफोकेटिंग वर्ड यूज़ किया सी, वी आर सफोकेटिंग विद द प्रोसीजर एंड मैनी अदर थिंग्स उन्होंने ये गल कही सी. और उन्होंने विच्चों कुछ जजा ने ऐसे फैसले किए जिन्हों रिटायरमेंट तो बाद नवाजिया गया, ये बारे की कहोगे? सर यही गल मैं हूँ ही कर रही थी कि किस तरह जुडिशरी नू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जुडिशरी नू जड़ा है इस तरह अल्योर किया जा रहा है. द वर्ड इज़ अल्योर किया जा रहा है कि यस यू विल गैट बेनीफिट्स, यूल गैट पर्क्स ईवन वाइल सिटिंग ऑन द सीट एंड ईवन आफ्टर रिटायरमेंट्स यू विल बी गिवन पोस्ट, यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन लेटर ऑन. सो इस तरह के जोड़े फेवर्स है इन्होंने करके ही जुडिशरी जो है थोड़ा अनबायस्ड हो रही है जी.
डेफिनेटली ये सारा कुछ बहुत ही अपरेंट है, इट इज़ वेरी ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज़ विजिबल कि यस दिस इज एग्जिस्टिंग इन आर कंट्री। तो साढ़े देश का जोड़ा चेंजिंग कहते पैराडाइम शिफ्ट जोड़ा आया है इन द पोलिटिकल सिनेरियो, इन द जुडिशली जुडिशल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज और द वर्क ऑफ लॉयर्स और हाउ सोसाइटी लुक एट पीपल, द रोल ऑफ सोशल मीडिया, मिस यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, डेफिनेटली इट इज अपरेंट ऑन द फेस। एक चीज़ याद करा रहे हैं तुहानू, अरुण जेटले जी देश के नामी वकील ते उन्हां दी पार्लीमेंट दे विच स्पीच भी जजेस नू आफ्टर रिटायरमेंट कोई बेनीफिट नहीं मिलना चाहिए और अज वो इस दुनिया दे विच नहीं, उन्हां दी आवाज़ है कि ये रूलिंग पार्टी उन्हां दे प्रिंसीपल तो या प्रिंसीपल जिहड़ा सी इस रूलिंग पार्टी का वो कोई डेविएशन आई है, ये बारे की कहोगे? सर देखो मैं इस नू जरा थोड़ा सोसाइटी के एंगल तो देखना चाहूँगी कि क्यों ये स्टेटमेंट आई है, क्यों ये प्रपोज किया गया, क्यों सोसाइटी एक्सपैक्ट करती, क्योंकि सर एक आम आदमी की नज़र तो देखो जज जड़ा है रब हों लोगों ने, तो जे रब ही इंसाफ नहीं करेगा, रब ही अनबायस्ड डिसीजनस नहीं देगा, रब ही जड़ा है अन्याय करेगा लोगों नाल, तो डेफिनेटली लोगों का विश्वास उठेगा। यही रीज़न है कि इट वॉज प्रपोज्ड बाय श्री अरुण जेटली जी कि जजिस नू बेनीफिट्स नहीं मिलने चाहिए, अदरवाइज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन मेक एरर्स, इट इज़ सो ऑबवियस, बट स्टिल टू यू नो जिहड़ी आ प्रैक्टिस चल रही है कंट्री दे विच इनू रोकन लई जिहड़ा है सानू डेफिनेटली इहो जे कोई लॉज बनाने चाहिए या कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए है जिहदे विच जजिस नू ए वाले बेनीफिट्स ना मिलन, ते उन्हां दे वैसे पर्क्स वाइल सिटिंग ऑन द चेयर इनक्रीज़ कर दिते जाण ताकि उन्हां नू बाकी चीज़ां एल्योर ना करन। ए लोकतंत्र दी खातर ए स्टेटमेंट आई सी, इस नू किन्ना कु मान सम्मान या अपमान दिता गया, ये गल देखण वाली है, ते नाल ये भी गल देखण वाली है कि देश के लोगों का कॉन्फिडेंस हर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुतियां जजमेंटा ये आता है द पब्लिक फेथ शुड नॉट बी शेकन, पब्लिक फेथ मस्ट बी मेनटेन्ड, इस तरह के कई वर्ड्स आते हैं और वो जेडे वर्ड्स ने यह सरकार जी है कि इस उत्ते गौर फरमाएगी। ये सांझा की सांझ रख दिती है देश हित विच देशवासियों के नाल ते अपनी सरकार के भी नाल गौर फरमाया जाए। धन्यवादी होवांगे, करते हैं सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी नूं वध तों वध शेयर कर देना, सबसक्राइब कर देना और लाइक भी दे देना, फीड भी दे देना, फीडबैक भी दे देना, ते गल्लां इन्नियां कु तुहाडे नाल। थैंक यू डॉक्टर कनू जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सारे श्रोतियों नूं, बहुत बहुत धन्यवाद। पेंटर तो चला गया, पेंटर चला गया।